अब हम बात करेंगे गोवा के बारे में। गोवा पूरे पंजाब में या फिर पूरे पंजाब की बात करें तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है किन्नू के बाद में, किन्नू के बारे में बाद में। और ये गोवा वैसे अगर हम इसको न्यूट्रिशनली देखें या फिर इसका जो टॉलरेंस पावर है या फिर उसके बारे में देखें तो दोनों में बेस्ट है ये। न्यूट्रिशनली अगर हम जैसे आप एप्पल मानते हैं कि एप्पल बड़ी अच्छा फ्रूट है न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ये पूरा उसके कंपेरेबल है। जितना न्यूट्रिशन उसमें है उससे उसके इक्वल उससे ज़्यादा ही इसमें है। ये गुआवा फ्रूट है जो विटामिन सी में काफ़ी रिच है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हार्डी प्लांट है। इसको हम जैसे सोयल मतलब जिसकी पीएच इवन 8.7 है, 9 तक भी ये अच्छा ग्रो कर लेता है। जैसे मान लो कहीं और जैसे ईसी की हम बोलते हैं भी, जैसे साल्ट टॉलरेंस की बात करते हुए नमक के प्रति, तो उसमें भी काफ़ी मतलब उसको सहन कर सकते हैं। और एक इसका जो ये है कि इससे ना साल में 2 क्रॉप भी ली जा सकती है। जैसे और क्रॉप को हमें 1 साल के अंदर 1 क्रॉप मिलती है, इसके अंदर हम 2 क्रॉप ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है जब हम गुआवा लगाते हैं तो सिलेक्शन ऑफ वैरायटी, मतलब वैरायटी कौन सी लगाएं, कौन सी अवेलेबल है हमारे पास प्लांट। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने पीयू ने जो वैरायटी रिकमेंड की है रिलीज की है उसमें है पंजाब सफेदा, श्वेता और पंजाब किरण और पंजाब एप्पल गुआवा। सफेदा में हम देख सकते हैं कि इसका जो पल्प है व्हाइट कलर का है, श्वेता है, पंजाब किरण है उसमें जो पल्प है पिंकिश है, पिंकिश रेड। और इसके बाद है पंजाब एप्पल गुआवा जो कि बिल्कुल एप्पल की तरह दिखता है। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब एप्पल खा रहे हैं या मतलब क्या है, ये गुआवा है या एप्पल है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी वेराइटी है और इसकी मतलब क्या है कि फार्मर को प्राइस भी ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि जो बड़ा ही अट्रैक्टिव फ्रूट है ये। इसके अलावा हमारे पास जो वैरायटी है वो है अलावा सफेदा, हिसार सुरखा, ताइवान पिंक। ये वैरायटी भी अवेलेबल है। जैसे अभी हिसार जिसकी सफेदा की काफ़ी यहाँ पे जैसे फार्मर ग्रो कर रहे हैं और उसी तरह नई की जो वैरायटी ताइवान पिंक वगैरह उनकी भी काफ़ी डिमांड इन फ्यूचर आ रही है। गुआवा का जो प्लांटिंग टाइम है इसको 2 बार हम साल में इसकी जैसे प्लांटिंग कर सकते हैं, जो फरवरी मार्च का टाइम है और एक जो अगस्त सितंबर का है। और जैसे कि मान लो डॉक्टर साहब ने पहले बताया था जो टेम्परेट फ्रूट उनकी जनवरी में ही प्लांटिंग होती है, बट ये एवरग्रीन जितने भी जो सदाबहार पौधे हैं उनको हम साल में 2 बार लगाते हैं, उसमें गुआवा एक है। और इसको जो लगाने की जो दूरी है आपस में जो नॉर्मल जो जनरल जो स्पेसिंग है वो है 6 बाई 6 मीटर की, और उसकी हाई डेंसिटी जो रिकमेंडेशन है पीएवी की हमारी वो है 6 × 5, मतलब 6 से 6 मीटर रो के रुके दो लाइनों के बीच में और 5 मीटर पौधे से पौधे की दूरी है। उसमें 132 प्लांट रहते हैं और दूसरे में 110 प्लांट रहते हैं। उसके बाद आती है इसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग के बारे बात करेंगे। ट्रेनिंग इसमें मॉडिफाइड लीडर सिस्टम होता है, जैसे कि डाइसिटीन में डाई के फुट पे इसको आप पिंच कर देते हैं, उसके बाद 3-4 महीने की ग्रोथ होने के बाद इसको आगे फिर इसकी पिंचिंग रहती है डाइसिटीन फुट पे। और उसके बाद आप इसको क्या करते हैं जैसे जैसे ब्रांच इक्वल डायरेक्शन हर डायरेक्शन में 2 से 4 ब्रांच लेके चलते हैं। प्रूनिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है गोवा में। जैसे पीयर के अंदर क्या है कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे रुसांगवा ने बताया पीच में एनुअल हर वर्ष हर साल में प्रूनिंग की जरूरत है, उसी तरह गोवा क्योंकि इसमें जो फ्रूटिंग होती है जो फ्लावर लगते हैं फूल लगते हैं वो नई ग्रोथ पे लगते हैं, इसलिए इसमें प्रूनिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। और प्रूनिंग ये नहीं कि मतलब हैवी करनी है, इसमें लाइट प्रूनिंग करनी है, मतलब थोड़ी सी टिप होती है जैसे 10 1 सेंटीमीटर वो कट करनी है। जैसे आपकी प्रूनिंग खत्म होती है उसके बाद में आपको प्रूनिंग करनी है। और जो डेड ड्राइड ब्रांचेज है क्रिस्प आपस में जो उलझी हुई ब्रांच है उनको कट तो करना ही करना है, लेकिन लाइट एनुअल प्रूनिंग हमें साल के जैसे ही फ्रूट की हार्वेस्ट होती है 10 सेंटीमीटर ऊपर टिप कट करनी है। ये मिनरल फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर इसमें जैसे FYM वगैरह है, खाद है, रूड़ी है, वो मई में है उसका टाइम,
और जो इनऑर्गेनिक है जैसे यूरिया सुपरफॉस्फेट और एमओपी है वो हमने दो स्प्लिट डोज उसकी डाली, मई जून में डालनी और एक सितंबर अक्टूबर के अंदर। फर्टिगेशन शेड्यूल भी रिकमेंड किया है पीयू का, ये पैकेज से आप दे सकते हैं एज वाइज कितनी इसमें। वैसे साल में जुलाई से सितंबर और मार्च से मई में 12 टाइम यानी कि एक एक हफ्ते बाद ये आपको जो फर्टिलाइजर की डोज है ये स्प्लिट में डालना है। जिंक की डिफिशेंसी थोड़ी दिखाई दे जाती है गुआवा के अंदर, उसके लिए जिंक सल्फेट 1% जिंक सल्फेट की स्प्रे कर सकते हैं आप। वो जो स्प्रे है वो जून से सितंबर में 2 से 3 स्प्रे कर सकते हैं 15 से 20 दिन के इंटरवल पे। उसके लिए आप 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट को लाइम के साथ मिक्स करके और 100 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर। इरिगेशन यंग नए प्लांट हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो उनमें थोड़ा गर्मियों में काफ़ी इसको ये कि आपको गर्मियों में 5 से 7 दिन के इंटरवल पे इसको पानी देना जरूरी होता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और सर्दियों में क्या है कि 3 से 4 वीक में कर सकते हैं। जो फ्रूटिंग में जो प्लांट हैं उनको क्या है कि जो गर्मियों में 2 से 3 वीक के इंटरवल पे और सर्दियों में महीने 1 महीने तक चल जाता है। और जब फ्लावरिंग ज़्यादा होती है उस टाइम अपने को ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा जब फ्लावरिंग हो तो उस टाइम हैवी इरिगेशन ना दीजिए, लाइट इरिगेशन ही दीजिए, हल्की इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन वो भी रिकमेंडेड है यूनिवर्सिटी के द्वारा, पैकेज में दिया हुआ है पीयू की पैकेज में शेड्यूल वो आप देख सकते हैं। इससे जो पानी की सेविंग है 35 से 40%। क्रॉप रेगुलेशन जैसे मैंने आपको बताया कि 2 क्रॉप हम इसके ले सकते हैं, 2 फसल ले सकते हैं गुआवा की, पर क्या होता है कि जो रेनी सीजन वाली क्रॉप होती है उसमें उसको यूनिवर्सिटी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा ना फ्रूट फ्लाई इन्फेस्टेशन है, और स्पेशली जहाँ पे एरिया ज़्यादा है हर साल आ रही है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। तो उस केस में हम इसको क्रॉप को रेगुलेट करते हैं, तो उसमें हमारे पास 3-4 मेथड हैं। केमिकल में हम कह सकते हैं कि यूरिया 10-1% यूरिया की स्प्रे कर सकते हैं, और दूसरा ये नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, इसको 600 मिलीग्राम पर लीटर, और इसका एक्चुअली क्या है इसमें ये एसिड है और ये पानी में नहीं घुलता। कई बार क्या होता है कि वो एनए हम सीधे पानी में घोल के स्प्रे कर देते हैं तो उससे हम बोलते हैं कि इफेक्टिव नहीं है, इसलिए पहले एनए को हम एल्कोहल के अंदर मिक्स करते हैं। तो 1 किले के लिए जैसे कि हम कह सकते हैं कि 600 ग्राम हो जाएगा, और उसको हम 1.5 से 2 लीटर एल्कोहल में पहले घोलते हैं अच्छे से, उसके बाद उसका 1000 लीटर का पानी, उसको पूरे 1000 लीटर पानी में मिला के उसको हम स्प्रे कर देते हैं। और वो ड्यूरिंग मई जब फुल पीक फ्लावरिंग हो तो उससे क्या होता है कि फ्लावर वो गिर जाते हैं। और दूसरा मेथड है कि पानी ना दिया जाए, अप्रैल मई के अंदर बिल्कुल पानी ना दें जिससे फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाएगी। और एक है प्रूनिंग, उसमें क्या कि अप्रैल मंथ में आप क्या करते हैं नॉर्मली जो रिकमेंडेड है वो 10 सेंटीमीटर की है, वो हम जैसे ही क्रॉप हार्वेस्ट होती है फरवरी एंड या मार्च में उसमें हम प्रूनिंग करते हैं। अदरवाइज जैसे हमें क्रॉप नहीं लेनी है रेनी सीजन वाली, क्रॉप रेगुलेशन करना है तो उसमें 20 से 30 सेंटीमीटर तक ब्रांच को कट करते हैं। और इसके बाद क्या है क्योंकि हमारा टारगेट रहता है कि हम जो सर्दी वाली फसल है वो लेते हैं, इसलिए जून में उसमें फिर अच्छे से उसको खाद पानी देना है ताकि अच्छी ग्रोथ है जुलाई अगस्त में और अच्छी फ्लावरिंग मिले हमें अगस्त सितंबर में, उसके बाद उसकी अच्छी केयर करें। इसमें जो मेन प्रॉब्लम है जो आती है गुआवा में फ्रूट फ्लाई की, जैसे हम देखते हैं कि ये आप इसमें सिम्टम देख सकते हैं, जैसे इधर ये डिप्रेशन है इसमें थोड़ा दबा हुआ है फ्रूट और हरे रंग का वो पंचर सा दिख रहा है, ये फ्रूट फ्लाई की इन्फेस्टेशन ही है। ये जैसे फ्रूट पका हुआ फ्रूट अगर पौधे पे रह जाता है तो उसमें भी ज़्यादा आती है, तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है कि एक तो जैसे ही फ्रूट हमें ज़्यादा पका हुआ फ्रूट या जैसे ही फ्रूट लगे मेच्योर उसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। अगर हमने उसको वहाँ रखा है तो उसमें क्या है कि ज़्यादा इन्फेस्टेशन होता है, फ्लाई फ्रूट फ्लाई है वो उसमें एगलिंग कर सकती है। दूसरा जो जो फ्रूट में जिसमें ये आ गई है वो फ्रूट जल्दी ड्रॉप आउट हो नीचे गिर जाता है, तो उसको फ्रूट को हमें उठा के मतलब रेगुलर प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि जितने फ्रूट नीचे गिरे सबको उठा के उसको कम से कम 2 फीट गड्ढे में नीचे दबा दें, ठीक है। और
इसके कंट्रोल मेजर जैसे मैं भी बता रहा था। दूसरे और इसमें क्या है कि जैसे गर्मियों में हम, क्योंकि ये क्या होता है ना कि इसका जो जैसे नीचे फ्रूट गिर गए तो वहीं से क्या है कि इसका लार्वा पीपा वो सारा सोइल के अंदर ही रहता है, लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर के अंदर। तो हम गर्मियों में क्या है कि हल्के से ऊपर कल्टीवेटर से अगर बाद में हम वो कल्टीवेटर मारते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो एग है या प्यूपा है वो एक्सपोज होता है सनलाइट, उससे वो मर जाते हैं। उससे क्या होता है अगले साल हमारे को कम प्रॉब्लम आएगी, पॉपुलेशन उनकी कम हो जाएगी। और पीयू से रिकमेंडेड 16 पर एक ये फ्रूट फ्लाइट रहे जो कि 16 है, 1 किले के अंदर 16 लगेंगे, वो भी काफी इफेक्टिव है। और उसको लगाने का जो टाइम है वो जुलाई 1st वीक है। और दूसरा इसमें जो डिजीज है वो बिल्ट गुआ में, जैसे नरमे के अंदर की बार जैसे कई बार आप देखते हैं बेल्ट की प्रॉब्लम, वैसे सेम इसके अंदर है, जहाँ पे पानी ज्यादा रहता है और वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा आती है बेल्ट की। उस केस में क्या होता है कि प्लांट जो बेल्ट वाला अफेक्टेड है उसको रिकवर तो हम नहीं कर सकते, ये कि उसको उखाड़ के उसको थोड़ा बर्न करना ताकि जो इनोकुलम है वो आगे ना स्प्रेड हो। उसके बाद जो नया पौधा लगाना है वो हमें जो पिट है उसको पूरा अच्छे से सैनिटाइज करके लगाना है। 2% फॉर्मलिन का रिकमेंडेड है, वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर बासामिड वगैरह वो भी आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो 50 ग्राम एक पिट में पड़ती है। एक इसमें एंथ्रेक्नोज आता है, बारिश जो रेनी सीजन क्रॉप है, ज्यादातर प्रॉब्लम रेनी सीजन क्रॉप की ही है। इसमें क्या है कि एंथ्रेक्नोज है थोड़ा, इसमें काफी वो ब्राउन ब्राउन पैच से एंथ्रेक्नोज के बन जाते हैं, वो रेनी सीजन में जो पका हुआ मेच्योर फ्रूट्स है उसमें ज्यादा आती है। ये भी कि पानी ज्यादा खड़ा ना रहे उसकी वजह से। ये भी थैंक यू।